कि कलेक्शन सेंटर इस पर भी ध्यान दीजिए, एग्रीकल्चर होटिका डीसी साहब प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा प्लानिंग है और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर आप ध्यान दीजिए कलेक्शन सेंटर जगह जगह कलेक्शन सेंटर वाक्रो से लेकर नामसाइ तक कलेक्शन सेंटर होना है तो ये हमको ध्यान देना है और यहाँ क्या क्या चाहिए इसका एक प्रोजेक्ट बनाइए प्रोजेक्ट बना के हमको दे दीजिए बाकी तो मेरा तरफ से तो जो जो मेरा सोच में आया वो बोल दिया मैंने आई एम नॉट मीनिंग टू हर्ट एनी बडी आई डू नॉट हैव कम हेयर टू हर्ट एनी बडी बट द फैक्चुअल थिंग हैज़ टू बी यू नो टोल्ड टू स्पीक आउट अदरवाइज वी विल नॉट अचीव द गोल तो इसीलिए तो वी विल बी पार्ट ऑफ मोदी जी का जो 2047 जो आज़ादी का अमृतकाल अभी शुरू हो रहा है शुरू हो गया है तो अमृतकाल में नामसाई विल बी द टॉप कंट्रीब्यूटर नामसाई शुड बी टॉप कंट्रीब्यूटर जीडीपी ग्रह जीडीपी में नामसाई शुड बी द टॉप कंट्रीब्यूटर दैट इज व्हाट आवर एम शुड बी थैंक यू वेरी मच जय हिंद जय भारत तहे दिल से कंग्रेचुलेशन देना चाहूँगा आपका जो सपना आप लोगों ने 2018 में जो आपने देखा आज पूरा हुआ है और वाकई ही यहाँ जो प्रोसेसिंग यूनिट का जो उद्घाटन हमारे मुख्य अतिथि डीसीएम साहब ने जो किया ये एक ड्रीम कम ट्रू जो सपना हम लोग देखते हैं वो साकार हुआ और इस सक्सेस स्टोरी के बीच पीछे डीसीएम साहब का आशीर्वाद है आप सभी जितने नौसेप से जुड़े हैं जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं हमारे जिमान खेतियों सकल आसे अपने महादेवपुर चौखाम नामसाई अपना सकल योगदान आसे अपना जो सबे एकता हो नाथका हतें आज ये नौसेप तो आग नाबाड़िले हैं ये प्रसेसिंग यूनिट तो नाहिले है क्यों अपना खेती करे कष्ट करते गाँवते एक बीघा हालदी लगे दुबीघा पाँच पुरा कर नसेपक सी मो नसेपर पर हालदी ललो बीस त्रीस बेग लो निकी न क्यों लो 25 टन्स लो हालदी लगाल प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ तो फिर मैं बेचा नहीं उसको इस बार 65 एकर्स लगाए मैं हल्दी हमारे जो यहाँ में जो सरकारी जो विभाग है खासतौर पर एग्री एलाइड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है फिशरी डिपार्टमेंट जो नामसाई में अवेलेबल है जिसके पास टेक्निकल नॉलेज है इनसे आपको मदद लेकर आपका अपना ज़मीन को अपने ही घर में बैठते हुए उसको आप इस्तेमाल करके आपको कहीं जाना ना पड़े नौकरी के लिए या मतलब बिजनेस के लिए अपने ही घर में बैठ के आप अच्छे से आप इनकम करें आपका परिवार जो है वो इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट हो इकोनॉमिकली प्रोग्रेस हो उसके लिए हम सबको प्रयास करना है तो आप सबको मैं ये आश्वासन देता हूँ कि जो भी जिला प्रशासन की तरफ से और हमारा जो एग्री अलायंस की तरफ से जो भी बन पाएगा जो भी टेक्निकल नॉलेज है या मतलब जो गवर्नमेंट की योजनाएं को आप तक पहुंचाने के लिए जो भी काम या जो भी प्रयास की जरूरी होगा वो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा आप सबको देने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं हमारा काम ही सेम केस अबाउट पॉपकॉर्न है सेम केस अबाउट क्या कुरकुरे है छोटी मोटी चीज़ें में अगर गौर से देखेंगे तो प्रोसेस करने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाती है बढ़ते नहीं उसके दाम बढ़ जाते हैं प्रॉफिट ज़्यादा होता है इसलिए मार्जिनल फार्मर को भी उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है मुझे देख के बहुत खुशी हो रही कि हम लोग ड्रायर बना रहे हैं वॉशिंग फैसिलिटी कर रहे हैं उसको क्लीनिंग करके पैकेजिंग फैसिलिटी कर रहे हैं ये जो क्रिया हो रही है ये बहुत बड़े पैमाने पर उसका लार्ज स्केल मतलब फार्मर्स को बहुत बेनिफिट होगा मैं ऑनरेबल डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर को और यहाँ के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये फैसिलिटी यहाँ क्रिएट की है लेकिन जैसे चर्चा कर रहे थे वैसे कोल्ड स्टोरेज की बहुत आवश्यकता है ये तो बस सही है मैं महाराष्ट्र से हूँ मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूँ जब शरद पवार जी नो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तो उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन ला लिया महाराष्ट्र में हमारे पास महाराष्ट्र में तो लैंड बहुत ड्राई लैंड है
बारिश बहुत कमती होती है, वहाँ में फसल भी बहुत कम होता है। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन नौसाब टीम को और आपकी जो टीम है उन मेंबर्स को। जैसे कि आज आप लोग का जो इनॉग्रेशन प्रोग्राम हुआ है यहाँ पे, ये जो फैक्ट्री का, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले कि किस तरीका से आप लोग का ये काम चलेगा आगे और इसका जो कौन कौन बेनिफिट ले सकता है। थैंक यू। ये हम लोग का नौसाब टीम के लिए मतलब बहुत ही खुशी का बात है कि आज हम लोग का इनोग्रेशन एटलीस्ट हो गया। इतना साल मेहनत करने का बाद में मतलब शुरुआत से हम लोग मतलब चाह रहा था कि हम लोग का एक जो ड्रायर हो बोल के, क्योंकि हम लोग का सामान जो हम लोग का यहाँ में मतलब हम लोग का वो कोल्ड स्टोरेज नहीं है, मेन प्रॉब्लम वो होता है। और मतलब कोल्ड स्टोरेज तो छोड़ दो, हम लोग का मतलब गोदाम तक नहीं है हम लोग का, इसलिए फार्मर लोग अपना खेती से जो भी चीज़ हो, हल्दी हो या अदरक हो, जो भी मतलब जैसे कि आलू कुछ भी हो, जो निकालने का साथ साथ में अगर कंज्यूम नहीं किया तो वो ख़राब होने का चांसेस रहता है। तो अभी तो हम लोग का पास में वो कोल्ड स्टोरेज तो फिलहाल नहीं है, फिर भी हम लोग का ये आ गया, क्या बोलता है, ड्रायर आ गया। ड्रायर का वजह से हम लोग मतलब दिन में हम लोग 500 मेट्रिक टन हल्दी हो या अदरक या कुछ भी सुखा सकता है, इसलिए हम लोग को बहुत ही मदद मिला है। और हम लोग का फार्मर लोग मतलब वो लोग का वेस्ट नहीं हो रहे, और जो चीज़ वो लोग यहाँ में मतलब बस्ती बस्ती में बिकने से जितना मतलब सस्ता में वो लोग को बिक जाता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद में जितना वो लोग को दाम ज़्यादा मिलता है वो उसका बहुत डिफरेंस होता है। अभी मतलब प्रोसेसिंग करके वो लोग को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ऊपर से व्यापारी लोग आता है, वो लोग तो ऐसे क्या क्या बोल के ले जाता है बस्ती से, वो लोग तो सस्ता दाम में ले जाएगा। हम व्यापारी होने से हम भी ऐसे ही करने का होगा, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि हम लोग का खुद से ही मतलब कुछ करने के लिए, हम लोग का अपना फार्मर लोग खुद ही भी मार्केट ले सकने के लिए। अभी नौसाब एक वो है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, मतलब फार्मर लोग का ही कंपनी है, उसमें हम लोग सिर्फ बीओडीस है, बाकी तो सब फार्मर का ही मेन है। तो फार्मर लोग आके अपना मशीन सब यूज़ कर सकता है, जैसे कि वो लोग खुद से बिक्री करने से भी मतलब आके हमें वाशर है वॉश कर सकता है, और ड्रायर है ड्राई कर सकता है। उसमें वाशर में ना ही हम लोग हल्दी अदरक कर सकता है, उसमें फ्रूट्स भी कर सकता है, वेजिटेबल्स भी कर सकता है, कुछ भी मतलब आजकल जैसे कि पम्पकिन भी ड्राई हो सकता है। फ्रूट्स में हम लोग का जैसे कि जैक फ्रूट्स है, बनाना है, मतलब कुछ भी ऐसे हम लोग जो ड्राई फ्रूट बोलता है उसका पैकेजिंग भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग का SHG मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का कंपनी में वुमेन्स मेंबर ही ज़्यादा है फार्मर, जो तो सब लोग मतलब SHG ग्रुप से है, तो वो लोग मतलब अपना ग्रुप में मतलब कुछ ग्रुप का कुछ इनकम होने के लिए वो लोग जैसे कि कुछ कुछ छोटा छोटा घर में अपना ग्रुप में पैकेजिंग भी कर सकता है, जैसे कि वो लोग हल्दी पैकेजिंग कर सकता है। अभी हम लोग का जो आउटलेट है नौसाब का दो जगह पे है, एक तो यहाँ नामसाई दुई माइल में है, और एक तो टेंगापानी में है, जहाँ में मतलब जो भी चीज़ हम लोग वहाँ में हम लोग का आउटलेट में है सभी मतलब अपना फार्मर लोग का ही है, अलग चीज़ मतलब हम लोग कहीं से भी नहीं है, यही का पैकेजिंग है जो हम लोग को अभी हम इतना साल से हम लोग मतलब 2018-17 से मतलब स्टार्टिंग तो हुआ था, उसमें भी हम लोग का DCM सर ने इतना मदद किया है, मतलब हर बस्ती में जा जा के हम लोग को अवेयरनेस देने के लिए वो सब मतलब अवेयरनेस देने का वजह से आदमी भी आया है। अभी हम चाहता है कि अभी आप लोग का मीडिया के थ्रू से सबको पता चले कि यहाँ में एक जो फार्मर लोग के लिए ही कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, ये ना ही सिर्फ नौसाब मेंबर के लिए है, ये कोई भी फार्मर के लिए भी है, क्योंकि हर कोई मतलब प्रोड्यूस करता है लेकिन उसको कैसा करना है क्या नहीं करना है वो मालूम नहीं होता है ना, तो ख़राब हो जाता है वो लोग का रॉ मटेरियल सब, इसलिए मतलब आके यहाँ में एक बार वो लोग खुद से भी देख लेने से अच्छा होगा। और फिर हम लोग का अभी एक दो साल में हम लोग फिर से और एक पैकेजिंग यूनिट भी खोलने जा रहे हैं, तो उसके लिए तो थोड़ा वक्त लगेगा, फिर भी मतलब होलसेल में या कुछ बल्क में हम लोग भेज सकेगा, अभी ड्राई करके या प्रोसेस थोड़ा फुल्ली प्रोसेस नहीं करने से भी आधा प्रोसेस तो करके यहाँ से जा सकेगा। उसके लिए ही हम लोग इस तरफ में आप देख सकते हैं हम लोग का यहाँ में वाशर है, वाशर यहाँ में सब ऑटोमेटिक है, इस तरफ में आप उस तरफ ढालते जाएगा रॉ मटेरियल्स को, हल्दी सबको या कुछ फ्रूट सबको या सब्जी सबको,
तो इधर में हम लोग का पानी से धो के इस तरफ में निकल जाएगा, यो वॉश होके आएगा। ये थैला है, वो थैला से हम लोग उठा के जो ड्राई करना है यहाँ ड्राई कर सकता है। और फिर स्लाइसर भी है, तो स्लाइसर भी मतलब इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन वो स्लाइसर में हम लोग वो कर सकता है। स्लाइसर में हम लोग मतलब हल्दी को काटता है, काट के हल्दी काटने के बाद में इधर में ये ट्रे होता है, इसको हम लोग निकाल भी सकता है। वो पूरा अंदर तक बहुत ज़्यादा है, तो उसका यहाँ में घुसा के वो उसको पूरा वो कर देता है, बंद कर देता है, तब बाद में ये सूख जाता है। अभी हाँ टेम्परेचर वो होता है, वैक्यूम है, मतलब उसमें उस तरफ में वो उस तरफ के एंडिंग में वो है पानी जाने वाला जो है, इस तरफ में घुसाता है और उधर में ऑन करता है। और उस उधर में भी हम लोग का फीड यूनिट भी है, रॉ मटेरियल हाँ कमिंग डेज, क्योंकि रॉ मटेरियल्स चाहिए उसके लिए हम लोग को। जैसे कि हम लोग का यहाँ में सोयाबीन प्रोड्यूस नहीं करता है आदमी, बहुत कम करता है अपना लोकल में, सिर्फ खाने के लिए ऐसे चटनी बना के खाने के लिए सिर्फ करता है, इतना ज़्यादा भी नहीं करता है जो हम लोग मतलब दाना बना सके। दाना मतलब ये वाला ये वाला मशीन तो हम लोग वो दाना बना सकता है, मतलब गोरू का दाना, जैसे कि डेयरी फार्म सब में उसके लिए दाना हाँ यूज़ कर सकते हैं। और मुर्गी का दाना, गाहरी दाना, बकरी दाना, मतलब जो हम लोग का डोमेस्टिक एनिमल लोग, और ये सब दाना भी मतलब हम लोग का यहाँ का यहाँ से मिलने वाला सामान से ही मतलब बनेगा। जैसे कि मोरिंगा है, जो मतलब मोरिंगा वो बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं विटामिन होता है उसमें। हम लोग का बकरी सब जो नॉर्मल तो कितना होगा 10 या 15 केजी सबसे बड़ा वाला होगा, तो ये सब मतलब फीड हम लोग जो अभी लोकल ऑर्गेनिक वाला जो अच्छा वाला मोरिंगा वाला फीड हम खिलाने से वो उससे भी ज़्यादा कई गुना ज़्यादा वेट भी होता है ना। उसके लिए हम लोग गाहरी को भी दे सकते हैं और गाय को भी दे सकते हैं। गाय को भी देने से उसका दूध भी ज़्यादा निकलता है मतलब, इसलिए हम लोग को सिखाया था। तो अभी फिर भी अभी जस्ट लगा रहा है, बड़ा तो नहीं हुआ है, इसलिए मतलब ये वो अभी रॉ मटेरियल्स नहीं होने की वजह से अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन ये तो आज इनॉग्रेशन हो गया तो अभी से तो फुल रन होगा। हाँ, इसलिए इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू।